इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी में आपके साथ। नया सब अपडेट की बात करें, मध्य प्रदेश में पंचायत नगर निकाय चुनावों के बाद विधानसभा का मानसून सत्र बुलाया गया है। 25 से 29 जुलाई तक होने वाले इस मानसून सत्र में कई अहम फैसले लिए जाएंगे। नगरपालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष आयु 21 वर्ष करने अध्यादेश तैयार कर लिया गया है। दरअसल सरकार द्वारा नगरपालिका विधि संशोधन अध्यादेश के प्रारूप को नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के अनुमोदन के लिए भेजा गया था। वहीं नगर विकास आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के अनुमोदन के बाद शुक्रवार को इसे विधि और विधायी विभाग को भेज दिया गया है। विभाग विधिक पक्षों का अध्ययन करने के बाद सीएम शिवराज के माध्यम से राज्यपाल मंगूभाई पटेल को भेजा जाएगा, जहां से अनुमति मिलने के बाद अध्यादेश की अधिसूचना जारी हो सकती है। विभाग के अधिकारियों की माने तो अगले सप्ताह तक इसकी जो अध्यादेश की अधिसूचना जारी हो जाएगी। बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 16 नगर निगम, 74 नगर पालिका, 255 नगर परिषद के चुनाव दो चरणों में कराए जा रहे हैं, जिसकी प्रक्रिया 18 जुलाई को पूरी होगी। इसके लिए वर्तमान व्यवस्था के अनुसार पार्षद में नगर पालिका नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव किया जाना है। हालांकि इसके लिए वर्तमान की पात्रता आयु 25 वर्ष रखी गई है, जबकि पार्षद पद के लिए पात्रता 21 से अधिक तय की गई है। तो ये था अब तक का अपडेट। लगातार जानकारी के लिए बने रहे वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।